हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज का मोटिवेशन कोट, अधूरा ज्ञान कभी मत लो, क्योंकि अधूरा ज्ञान आधी जल से भरी घड़ी की तरह होता है। काम आता नहीं मगर छलकता बहुत है। Never take incomplete knowledge because incomplete knowledge is like a pot half filled with water, does not work but spoils a lot. Move करते हैं first question पे। पाकिस्तान के एक कोर्ट ने हाल ही में किस चाइनीज ऐप को एक बार फिर से निलंबित करने का आदेश दिया है? Which Chinese app has recently been ordered to be suspended once again by a Pakistani court? ऑप्शन है टिकटॉक, शेयर इट, यूसी ब्राउजर, बेडू मैप। इसका राइट आंसर है टिकटॉक। पाकिस्तान के एक कोर्ट ने एक बार फिर से चीन के वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक को निलंबित करने का आदेश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रसिद्ध पत्रकार को 2021 फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया? Which famous journalist was recently awarded the 2021 फुकुओका Prize? ऑप्शन है अभिज्ञान प्रकाश, पी साईनाथ, मेनका दोशी, सुरेश चौहान। इसका राइट आंसर है पी साईनाथ। वरिष्ठ पत्रकार और पीपल्स अकाइव ऑफ रोलर इंडिया के संस्थापक संपादक पी साईनाथ को इस साल जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में भारत में किसे अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है? वो हैज बीन अपॉइंटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एज द यूएस इंटरिम एम्बेसिडर टू इंडिया रिसेंटली। ऑप्शन है राहुल सचदेवा, अतुल कश्यप, अतुल अग्निहोत्री, राकेश कश्यप। इसका राइट आंसर है अतुल कश्यप। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी अतुल कश्यप को भारत में अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए साझेदारी की है? विच स्टेट गवर्नमेंट है? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP है recently partnered to improve household food and nutrition security. Option है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व राष्ट्रपति को अदालत के अवमानना के लिए 15 माह जेल की सजा सुनाई गई है? विच फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका हैज बीन सेंटेंस्ड टू 15 मंथ्स इन जेल फॉर कंटेनमेंट ऑफ कोर्ट रिसेंटली। ऑप्शन है थापो मेबे की, सिरिल रामापोसा, कगलेमा मोटलांते, जैकब जुमा। इसका राइट आंसर है जैकब जुमा। दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च अदालत ने भ्रष्टाचार की जांच का सामना कर रहे पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 महीने जेल की सजा सुनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने निम्न में से किस देश से बिना लाइसेंस के जून 2022 तक आलू के आयात को मंजूरी देती है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द इम्पोर्ट ऑफ पोटैटोज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विदाउट अ लाइसेंस टिल जून 2022। ऑप्शन है चीन, रूस, भूटान, जापान। इसका राइट आंसर है भूटान। केंद्र सरकार ने भूटान से जून 2022 तक बिना लाइसेंस आलू आयात की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने आकाशवाणी में महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है? वो अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ऑप्शन है राजीव यादव, अनुपम अग्निहोत्री, राहुल सचदेवा एंड वेणुधर रेड्डी। इसका राइट आंसर है एन वेणुधर रेड्डी।
भारतीय सूचना सेवा IIS के 1988 बैच के अधिकारी एन वेणुधर रेड्डी ने आकाशवाणी के महानिदेशन डीजी का कार्यभार संभाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है। The Uttar Pradesh government has sent a proposal to the Ministry of Railways to rename Jhansi station after whom? Option है रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, गंगाधर राव। इसका राइट आंसर है रानी लक्ष्मीबाई। झांसी रेलवे स्टेशन रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर होगा। राज्य सरकार ने नाम बदलने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेज दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के निम्न में से किस अमेरिकी महिला को मिशिगन की पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज के रूप में नामित किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेरिकन वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज बीन नॉमिनेटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एज ए फेडरल जज फॉर द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिशिगन। ऑप्शन है प्रणीता गुप्ता, शालीन डी कुमार, माला अडिगा, नॉरिन असन। इसका राइट आंसर है शालीन डी कुमार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के जजों को फेहरिस्त में एक और भारतीय जज का नाम शामिल हो गया है। राष्ट्रपति ने शालीन डी कुमार को मिशिगन का फेडरल जज नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की तरफ से किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। विच एरिया हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए डिस्टर्ब एरिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टिल दिसंबर 2022। ऑप्शन है असम, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक। इसका राइट आंसर है नागालैंड। नागालैंड राज्य के पूरे क्षेत्र को सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून अफसपा के अंतर्गत 6 और माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में निम्न में से कौन सा बल्लेबाज टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। इन द लेटेस्ट रैंकिंग्स रिलीज्ड बाय द आईसीसी विच ऑफ द फॉलोइंग बैट्समैन हैज रीच्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द टेस्ट रैंकिंग्स। ऑप्शन है केन विलियमसन, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत। इसका राइट आंसर है केन विलियमसन। आईसीसी की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में केन विलियमसन बल्लेबाज टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन है आईपीएस अधिकारी सचिन अतुलकर, आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल, आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार, आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर। इसका राइट आंसर है आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल। वरिष्ठ आईपीएस अफसर मुकुल गोयल उत्तर प्रदेश के अगले डीजीपी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। विच इंडियन ओरिजिन चेस प्लेयर हैज बिकम द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड। ऑप्शन है अर्जुन ठाकुर, राहुल सचदेवा, अभिमन्यु मिश्रा और प्रेगानंदा। इसका राइट आंसर है अभिमन्यु मिश्रा। भारतीय मूल के 12 वर्षीय अभिमन्यु मिश्रा चेस के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। वो अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन है राहुल सचदेवा, मोहन कुमार, सतीश अग्निहोत्री, कमलेश लूला। इसका राइट आंसर है सतीश अग्निहोत्री। रिटायर्ड अधिकारी सतीश अग्निहोत्री को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL का नया MD नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से देश की क्रिकेट टीम भारत को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा वनडे मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज क्रिकेट टीम हैज ओवरटेकन इंडिया टू बिकेम द फर्स्ट टीम इन द वर्ल्ड टू लॉस द मोस्ट ODI मैचेस। ऑप्शन है श्रीलंका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंकाई
टीम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मुकाबले हारने वाली टीम बन गई है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।